इजी वेट लॉस, हेल्थ और इम्यूनिटी से रिलेटेड टिप्स और इन्फॉर्मेशन के नए वीडियोस के बारे में सबसे पहले जानने के लिए नीचे के सब्सक्राइब के लाल बटन और बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं। अनेक लोग यह मानते हैं कि मैंगो यह एक हाई कैलोरी फूड है और इसीलिए इसे वेट लॉस की प्रक्रिया में नहीं खाना चाहिए। तो क्या ये सच है या एक भ्रम है, गलत फहमी है? तो इस वीडियो में इसी के बारे में हम जानने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से देखिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशीष एल ठक्कर, होम्योपैथ और हेल्थ एंड वेट लॉस कोच, जिसे आप डॉक्टर अर्ल के नाम से जानते हैं। तो चलिए इस वीडियो के मेन टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। जो लोग वेट कम करना चाहते हैं, वे मैंगो खा सकते हैं। जी हाँ, मैंगो खाने से आपका फैट बढ़ेगा नहीं, बल्कि आपकी वेट लॉस की प्रक्रिया में मदद होगी। वह कैसे? मैंगो में अच्छी मात्रा में फाइबर्स होते हैं, जिसे खाने से आप भरा हुआ महसूस करते हैं। और दूसरी बात, मैंगो में बहुत ही नेग्लिजिबल फैट होता है। 100 ग्राम मैंगो में सिर्फ 0.2 टू 0.4 ग्राम फैट होता है, एकदम नेग्लिजिबल है। और साथ में इसमें जीरो कोलेस्ट्रॉल होता है और सोडियम भी बहुत ही नेग्लिजिबल क्वांटिटी में होता है। इस वजह से आप इसको दूसरे जो फैट बढ़ाने वाली पेस्ट्रीज है या शुगरी फूड है, उसके बदले में आसानी से आप खा सकते हैं। और इस तरह मैंगो आपको वेट लॉस की प्रक्रिया में हेल्प करेगा। और साथ में मैंगो में ऐसे अनेक विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट है जो आपकी फैट बर्निंग की प्रोसेस को हेल्प करते हैं, उसकी स्पीड बढ़ाते हैं। और मैंगो में जो कैलोरी होती है वो भी बहुत लो होती है, इसलिए इसको लो कैलोरी डेंस फ्रूट कहा जाता है। 100 ग्राम में सिर्फ 60 कैलोरी होती है, जो एक मीडियम साइज के एप्पल की कैलोरी के बराबर है। इस वीडियो में हमने यह तो जान लिया कि मैंगो यह वेट लॉस के लिए लाभदायक है, हमें हेल्प करेगा इस प्रोसेस में, लेकिन उसे सही मात्रा में खाना भी उतना ही जरूरी है अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स चाहिए। तो अब इस वीडियो में आगे जानेंगे कि वेट लॉस के लिए हमें कितने मैंगो खाने चाहिए डेली के। वेट लॉस की प्रक्रिया में आप 300 ग्राम तक डेली मैंगो खा सकते हैं। मीडियम साइज का एक आम 150 ग्राम का होता है, इसलिए आप ऐसे दो आम डेली खा सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आप और किसी बीमारी के बारे में होम्योपैथिक दवाई के नाम जानना चाहते हो, या तो हेल्थ और ओबेसिटी से रिलेटेड कोई भी आपकी समस्या के कुछ सवाल है, तो आप उसे कमेंट्स में अवश्य लिखें। संभव हुआ तो उस टॉपिक पे वीडियो बना के मैं जल्दी ही पब्लिश करूंगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें, और अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो नीचे के लाल बटन को दबाकर कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी अवश्य दबाएं, क्योंकि मेरे हर नए वीडियो के बारे में आपको सबसे पहले पता चले। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, ग्रो हैप्पी।